सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। हम जा रहे थे काम से, लेकिन इन लोगों के भैया डांस सिखाने वाला आ गया, तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर इनको ड्रॉप करने। कौन से गाने में सीख रही हो? सारे गाने हैं। मुझे भी तो सिखा दो। अच्छा, तुम लोग तो पतले हो जाओगे। पहले से डांस प्रैक्टिस करेंगे तो पतले तो हो जाएंगे। मुझे भी कोई करवाओ पतला, मुझे भी डांस सिखवाओ। रिसा को भेज दिया। जिसकी किस्मत में होता वही जाता है ना। खाना निकला निकालने पर, तुम खाने वाली थी मैम, तुम चलो, तुम कहाँ कोई डांस खुशी, हमारे पागल हो जा रहे दोनों के दोनों। अस्सलामु अलैकुम, अम्मी की तरफ से छोटे बड़ों को सबको सलाम। सवा पांच हो गया, अभी तक लंच भी नहीं किया, बहुत टाइम लग गया। सबसे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, चुप चुप के कुछ नहीं। क्या कर रहे हो तुम? होगा प्रैक्टिस? जो भी होगा, इतना सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हर बार आगे पूछती ही रहती हो। कहाँ जा रहे हो? पूछा मत करो। नहीं पूछूं मैं? नहीं मत पूछो। पहला काम है, आप हमारे फोन में रिचार्ज कर दो, काम जरूरी है। मैं तुम लोगों से आपसे कट्टी मुझसे बात नहीं करना। जिस दिन तुम वो चीज देखोगे तुम इतनी खुश होगी, दिखाई बस। खाना खाना क्या है ये बताओ? क्या दाल पालक? नहीं, वो बोली खाना मंगा दिया। उन्होंने कहा था व्लॉग हम देख सकते हैं दोबारा रिपीट करके। हाँ, हमने बोला खाना क्या, ये नहीं कि तुम्हें क्या खाना नहीं है। तो पूछा तो ये ना, ये खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है, मुझे भूख लग रही है। देख रहे हो फ्रेंड्स, अभी से मुझे पराया कर दिया हमने, इन लोगों ने मुझे अभी से पराया कर दिया। किसी को कोई फर्क नहीं है मेरा। अम्मी ने भी एक कान सुन के एक से निकाल दिया, और अम्मी मुझे कुछ भी नहीं बता रही। अब शादी है, सरप्राइज तो सरप्राइज तो नहीं बताते हैं। ठीक है, हाँ, बच्चे को है ना। दाल पालक अम्मी आते, दाल मेथी। अच्छा, दाल मेथी दाल है, तो फिर तो मैं भी खा लूंगी। मुझे लगा दाल पालक है, इसलिए मैंने सहारे के लिए कबाब भी लिया था, वरना अकेले दाल पालक मुझसे नहीं खाई जाती। लोग अभी खा के फिर आपसे मिलते हैं। मेरी गुजिया की शक्ल भले ही कम अच्छी हो, लेकिन टेस्ट अच्छा है। फ्रेंड्स, तो आज मैंने दिन भर ज्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया। रिजा रिहान तो अपनी तैयारियों में लगे। मुझे फिर से अभी थोड़े दिन पहले गले में दर्द और वैसा हुआ था, तो अभी गले में दर्द नहीं, लेकिन मुझे लो सा लग रहा है, छींके बीच बीच में आ रही है। तो जिसको बोलो कि ऐसा हो रहा है तो कहीं अरे मौसम भी चल रहा है, मौसम भी चल रहा है। तो वही मुझे बार बार हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी नहीं रह रही। इंस्टाग्राम का बहुत सारा लास्ट लास्ट का काम है, तो बस हम उसी के लिए भी ऊपर है। आया ग्लैमेट अप की तरफ से मेकअप की कुछ कुछ चीजें हैं। ये खोलते खोलते थोड़ा फट गया। लिखा है विद लव योर बिगेस्ट फैन परवीन मुल्ला जी। थैंक यू सो मच परवीन, आप मेरे फैन नहीं, आप मेरे सब दोस्त जैसे हो। बड़े प्यार से पैक करके भेजा है, थैंक यू। कैसी सर्दी हुई है? एक नाक और एक आंसू, एक आंख से आंसू एक से नाक। सॉरी ऐसी बातें करी, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना आंसू आ रहा है ना कुछ, बस इधर से एक साइड ही हो रहा है। खुल जा सिम सिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऐसा गिफ्ट आया है हमें शेड्स एस्थेटिक की तरफ से, इन्होंने मुझे ये अल्लाह की चीज भेजी है। फ्रेंड्स, आज धनतेरस भी है, मतलब शायद इसे छोटी दिवाली कहते हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और काफी रौनक है देखो हमारी सोसाइटी में, बच्चों ने तो अभी से पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया है। लाइट्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ये फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा पसंद है। सोचा ये न्यू आया तो ये भी आपको दिखा देती हूँ। दीवास क्लब की तरफ से फ्रेंड्स ये लखनवी कुर्ते आए थे। तो एक ये वाला हो गया, मुकेश वर्क वाला, इसका प्लाजोज है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। थैंक यू सो मच दीवास क्लब। अरे रेहान, हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं एक जैसे। अम्मी अब इतनी सारी स्टोरीज डाल के आऊँ, ऊपर से ये आपके लिए सूट आया था, ये तहान कलेक्शन ने भेजा आपके लिए। भेजा था? हाँ, नहीं नहीं, आपके लिए भेजा है। और तुम्हें एक चैलेंज करना है, अगर चैलेंज में तुम जीत गए तो फिर तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा मेकअप करना है अभी। हार जीत का फैसला सिर्फ कमेंट्स में होगा, अगर 5000 कमेंट्स आ गए उस वीडियो में। हाँ, अम्मी ऐसे ही हो गया। 5000 कमेंट्स बहुत ज्यादा है। 20000 का करते हैं। हाँ नहीं, सुनो, मुझे यकीन है रेहान कर लेगा। तो चैलेंज है माय ब्रदर डज माय मेकअप, तो मेरा भाई आज मेरा मेकअप करेगा, तो तुम रेडी हो? हाँ। तो अगर 5000 कमेंट्स आ गए तो रेहान जो मांगेगा, नहीं नहीं 5 तो आ गए तो रेहान जो मांगेगा उसे वो मिलेगा, लेकिन ऐसे कुछ फालतू चीज भी तुम नहीं मांगोगे, ठीक है? मिलेंगे और तुम्हें हाँ से बोलो कि मुझे प्लीज करवा, लेकिन पहले भी चैलेंज तो अच्छे से कर लो, दोनों अच्छा लगेगा तो वो बोलेंगे तुम्हारा काम है अच्छा मेकअप करना। अब ये लोग बिग बॉस देख रहे हैं, तो बिग बॉस देखने के बाद आपसे मिलते हैं। सोच समझ के बिल्कुल दिमाग में ना मेकअप कैसे करते हैं, इतना बता देना जैसा आपको लगवाना लगाना। ऐसे नहीं होता, तो क्या होता? हम बस बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट, और तुम्हें हर चीज यूज करनी है और खुद ही देखना है। तो मुझे क्या मालूम, मैंने जिंदगी में खुद नहीं होता है, चैलेंज यही होता है, कोई बता के थोड़ी ना होता।
लगता तो है बता के नहीं होता, लेकिन इतना तो पता था मेकअप का नाम ही नहीं सुना, आई शेडो होता क्या है। तुम लोग आ चुके हैं ऊपर, यहाँ पे होगा हमारा सेटअप। आइकिया का सारा सामान ठीक चल रहा है, पता नहीं ये स्टैंड क्यों बार बार टेढ़ा हो जाता है। एक पैर टूट गया मुझे लग रहा है, इसका एक पैर था ही नहीं, तीन पैर का ही यही है। फेस वॉश कर लेती हूँ, प्राइमर भी लगा लेती हूँ। एक्साइटेड ओके क्या कर रहे हो, ब्लैक है ना, तुम ये सब माइनस मार्किंग होगी पता है। इतना गंदा ना कैसे आंख में लगा लेते हो। हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपको रूल्स बता देती हूँ। चैलेंज होगा वो 5 मिनट्स का होगा। प्रॉपर चेहरा अच्छा लगना चाहिए, सारी चीजें यूज होना चाहिए। ये है आई शेडो पैलेट, तुमको पता है हम यहाँ पे पिंक हमेशा लगाते हैं, इसे गालों पे पिंक लगाते हैं ना, ब्लश ऑन गालों पे ब्लश ऑन लगाते हैं ना, वो लाल लाल हो जाते हैं। हाँ तो वो हमारे पास नहीं है तो तुम मार के कर देते हैं ना, तो तुम इसमें से ही कोई कलर यूज कर लेते हैं। हाँ, जो भी चीजें रखी है इसको सब कुछ यूज करना है। आंखों के ऊपर जो लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं आईलाइनर, मस्कारा, लिप लाइनर, मस्कारा क्या होता है, सब होता है। ये तो मेरे मुंह पे क्या लगाते हैं, चिकना करने के लिए फेस क्या लगाते हैं, तो ये सब रखा हुआ ना। अब तुम्हारा ये मेरा चेहरा अब तुम्हारे हवाले है। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा अच्छा करना है। मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, इतना ऐसे ही लगाते हैं ना, टाइम मत वेस्ट करो, निकाल दिया जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लगा रहे हो, अमार्थ का है कुछ, ये फाउंडेशन जो भी है। 40 सेकंड हो गए, चल तुम गए। मैं तो गया बेटा, मैं तो पूरा गया। काम हो गया, मेरे कपड़े थोड़ी ना इस्तेमाल करूंगा। 2 मिनट हो गए, क्या बात कर रही हूँ, बाप रे, तो कौन सा यूज करूँ, कौन सा यूज, ये मुझे था मुंह पर करो, सोफा गंदा, वो मेरी उम्र आ गई। अरे क्या है, कितना टाइम, कितना हुआ, 2 मिनट 20 सेकंड। कार्टून जैसे ऊपर नीचे कर रहा है, मेरे बाल मत छेड़ो रे यार। लिपस्टिक, आईलाइनर, ये सब कौन लगाएगा। हो गया इसका काम, 3 मिनट हो गए, क्या बात कर रहे हो। हाँ, लिपस्टिक लिपस्टिक नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा हाथ हिल रहा है, सब कुछ यहीं पे होगा कि आंखों में भी तो करो। हाँ? थोड़ा टाइट रखो, ऑन प्लीज, क्या कर रहे हो, शादी होने वाली है। आंखों में तो कुछ किया ही नहीं। अरे तो कर रहा हूँ, अरे खुल खुल ना, मुंह ऊपर करो। 3 मिनट 45 सेकंड। एक मिनट लास्ट। अरे तो मुंह हिला रही हो यार अपना, अरे मुंह खोलो अपना, अरे मुंह तो खोलो अपना, अरे तो आज 20 सेकंड ही बचे, खोलो, आधे आज 20 सेकंड ही बचे, खोलो आधे, हाँ लगाते हैं, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे यार 25 सेकंड, मुझे 2 मिनट और चाहिए, मुझे 2 मिनट और मांग गए। अब चाहिए 2 मिनट, तो ये कहाँ पे लगा रहे हो, मेरे प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे। बहुत अच्छी लग रही है, प्रोडक्ट जहाँ यूज होते हैं वहीं तो लगाओगे। अच्छा ठीक है, जहाँ यूज होते हैं। तुमने कभी देखा है किसी को यहाँ पे ऐसे आई शेडो आंखों के नीचे लगाते हुए, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। ये कहाँ करूँ अब मैं, प्लीज बंद करो, ब्रश ब्रश ज्यादा जल रहा है। ये आंखें आंखें खोलो, इसको ऐसे करते हैं ना। हाँ मुझे, चलो कुछ तो इसको पता है, आंखें मत छोड़ देना। अभी 1 मिनट 20 सेकंड हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो 40 मिनट्स लेफ्ट, बस हो गया, इतना इतना लगाओ, ज्यादा मत, बस खत्म करो। और क्या बचा, आईब्रो, आईब्रो आईब्रो क्या करते हैं, आईब्रो क्या है पहले बताओ, आईब्रो क्या है, ये आईब्रो, आईब्रो ये आईब्रो, ये मैं क्या करूं, आईब्रो ये, अच्छा ये आईब्रो है भाई, मुझे जिंदगी में मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, मैं तो तौबा कर लूंगा अल्लाह से। चलो हो गया टाइम, लास्ट 5 सेकंड 5 सेकंड, क्रीम तो यूज ही नहीं की ना, ये ब्लैक वाली होगी। तो अभी फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया, अब मैं देखने जा रही हूँ, चेहरा बहुत ज्यादा जल रहा है क्योंकि इसने पता नहीं क्या समझ के रगड़ के डाला उसको। पसीना बहुत आ रहा है। तुम्हें कैसा लगता है अपना काम। Oh my God.
देखूं? खोलू? फ्रेंड्स खोलू? चलो बोलो खोलो बोलो खोलो बोलो अरे खोलो थ्री स्टार्ट मुझे नहीं लग रहा कि कोई तुम्हें 500 कमेंट भी करेगा। लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्लीज कर देना, मेरी मेहनत है उसमें। चलते हैं नीचे। चलो अम्मी को लेकिन लेकिन कोई अगर लिफ्ट में दिखा तो रिजा चुड़ाना। चलो सरी को भी दिखाते हैं। खोल लो चिड़ियों से चल रहे। ये देखिए हमारी मलिका हिंदुस्तान। अम्मी को दिखाने जा रहे हैं। चाबी लो, चाबी खुद ही खोलो लो। अम्मी इधर आओ, देखो रेहान ने कितना अच्छा मेकअप किया है। बहुत अच्छा रेहान को सिखाया था उसने, सब कुछ वही फॉलो किया है। आओ लगाना, फिर काजल लगाना। जो इंसान कभी मेकअप देखा नहीं हो, मेकअप छुआ नहीं हो, मेकअप का नाम नहीं मालूम, वो कैसे कर सकता है? ससुराल से वर की भूतनी बना दी। क्या लगता है 5000 कमेंट आएंगे या नहीं? अब तो जम के बताओ। क्या पता हो भी सकता है, दे भी सकता है। आप लोग क्या कहना चाहती हो? अब सच्चाई गई। देखो रेहान कभी चीजों में रहता नहीं है। अब उसने जैसा भी किया फैसला जनता के ऊपर है ना। कभी पहले आंखों के ऊपर देखो लाइनर भी लगाया है, मस्कारा भी लगाया है, गालों में भी लगाया है। आंख बंद करो वाला। रेहान तुम मेकअप करते रहते तुम खेल करते रहे। मेकअप चढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं फ्रेंड्स मेकअप रिमूव करके आपसे मिलती हूँ। आज 23 लग गई, 7 साल हो गए पूरे। नहीं 8 साल, 7 साल। फेस वॉश करके आ गई हूँ। जैसे कि रिजा ने आपको बताया कि आज लग गई है 23rd October और आज के दिन मेरी और सनी की 7 साल पहले दोस्ती हुई थी, तो हम लोग ऐसे छोटा मोटा सेलिब्रेट करते थे लेकिन शेयर नहीं कर पाते थे ज्यादा। इसको शायद पता है, इसको एग्जैक्ट नहीं पता था कि 23rd है। कल मैंने इसको बताया तो ये लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, केक खिलाओ केक खिलाओ। तो अब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? जूते दिलाने लायक बेटा तुमने मेकअप नहीं किया, तुमने सारी चीजें भी यूज नहीं करी है। तो लेकिन जूते तो नहीं, लेकिन इतना खुशी का दिन है, हमारे 7 साल हो गए। माशाल्लाह फ्रेंड्स कहिएगा, दुआएं दीजिएगा तो हम तुम्हें कुछ खिला देंगे कल, बस इतना कर सकते हैं। बाकी अगर फ्रेंड्स कह देंगे 5000, अगर आपको इस पे तरस आती है तो अगर आप 5000 कमेंट करते हो तो फिर से इसको शूज दिला दे। फ्रेंड्स अभी हम सोने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हंसी आई होगी, थोड़ी बहुत भी हंसी आई होगी, जो भी लगा होगा। मैं तो कार्टून बन गई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कुछ ऐसा करना जिससे आप लोग भी हंसो, घर में भी सब हंसे। अभी ना फ्रेंड्स अच्छे से काजल वाजल निकला नहीं, क्योंकि रेहान ने बहुत ज्यादा लगा दिया था और यहाँ पे ना दाना भी निकल आया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा घिस दिया। मैंने तो मस्ती में किया लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज उसके लिए कमेंट कर देना, कुछ भी लिख देना, कुछ ऐसा जो भी आपको लगता है अच्छा लगा बुरा लगा आपकी मर्जी है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी कोई नए ब्लॉग के साथ। लव यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, आई लव यू।